लोग ये पूछते हैं, जब हमारी लाइनों में घर की या फिर जहां भी हम रहते हैं, अगर वहां पानी नहीं आता तो फिर पानी का बिल क्यों आता है? देखिए, ये एक आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, सही है, क्योंकि पानी का पूरा जो नेटवर्क हमारा डला हुआ है, अगर हम पानी की एक्चुअल चार्जेस लेना चाहें ना और लेना शुरू कर दें, तो आवाम जो है वो बेयर नहीं कर सकेगी इतना बड़ा एक्सपेंडिचर, क्योंकि इस वक्त भी आज भी हमारा रेट जो है वो एक फ्लैट का जो है वो 200 से लेके 250 रुपए तक या 300 से लेके 350 रुपए, तो 300 से 350 रुपए पर मंथ की बात हो रही है, पर डे की नहीं हो रही है, जिसको पानी मिल भी रहा है। तो ये बेसिकली जो अमाउंट होता है ये डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, क्योंकि नेटवर्क हमारा डाला हुआ है, कहीं ना कहीं से उसको थोड़ा ना कुछ थोड़ा बहुत पानी जरूर मिल रहा होगा। ठीक है सदुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया, एमडी वाटर बोर्ड से बातचीत हमसे कर रहे थे। हसन साहब, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी और मैं इसी आपसे कोई सवाल नहीं किया ताकि आप पूरी उनकी गुफ्तगू सुन लें और फिर हम इस पर बात करें। ये जो पानी की तकसीम का मामला है, ज़ाहिर है हम क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक अगर बात करें तो शायद उस तरीके से जो हमारा एक सिस्टम था जो बनाया जाना था उस पर शायद कभी काम ही नहीं हो सका और हमने कभी बनाया ही नहीं, नए मंसूबे नहीं बनाए गए, नए मंसूबे पर काम करने की कोई कोशिश ही नहीं की गई, जिसकी वजह से हम आज यहाँ खड़े हैं। आप ज़रा मुझे ये बताइएगा सर कि असल मामला है क्या और ये कहाँ से शुरू होता है? देखिए जी, पहली बात तो जहाँ तक पाकिस्तान में पानी का ताल्लुक़ है, पानी की अवेलेबिलिटी का ताल्लुक़ है, तो पाकिस्तान में पानी बहुत है और मतलब है 220 मिलियन लोग यहाँ पे रहते हैं और जो हमारी टोटल डोमेस्टिक ड्रिंकिंग वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा, भी अगर आप पूरे पाकिस्तान के तमाम शहरों की और तमाम गाँव की जो ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट्स हैं, म्यूनसिपल की रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उनको ऐड कर लें तो ये 5 या 6 मिलियन एकड़ फुट से ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है पूरे मुल्क की। मैं इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं शामिल कर रहा, अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को इसमें शामिल कर लें और डोमेस्टिक सेक्टर को शामिल कर लें तो ये हमारी तकरीबन जो मिला जुला के डिमांड बनती है ये 10 मिलियन एकड़ फुट से ज़्यादा नहीं है, जबकि हमारे पास दरियाओं में लगभग 145 से 150 मिलियन एकड़ फुट तक पानी जो है वो आता है। सही है, तो फिर जो लोग हैं उनके पास पानी का ना पहुंचना और उनको उनको मतलब है कि पानी की महरूमियत का शिकार होना, ये बात जो है ये समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हो रहा है उस मुल्क में जहां पे इतना ज़्यादा पानी है। अब अगर हम उसकी थोड़े से एनालिसिस करें तो हमने जब से हमारा मुल्क बना है बहुत सारी मजबूरियों की वजह से, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स की वजह से, जिसमें हमारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।